दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर तेजस्वी प्रकाश से करण कुंद्रा काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और करण कुंद्रा तेजस्वी को कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही ट्रैक पकड़ रखा है। जिस तरीके से प्रतीक ने अपना ट्रैक पकड़ रखा है और वीआईपी कंटेस्टेंट के लिए वो जिस तरीके की गुलामी कर रहा है, तुम भी उसी की तरीके से उसी के रास्ते पे चल रही हो। तुम दोनों बहुत ही बढ़िया कर रहे हो ताकि जनता की नजरों में तुम अच्छे बन सको और हम लोग बुरे बन सकें। दरअसल दोस्तों करण कुंद्रा तेजस्वी की हरकतों की वजह से काफी नाराज है, क्योंकि आपको बता दें कि करण कुंद्रा का कहना तेजस्वी बिल्कुल भी नहीं मान रही है और इसी की वजह से करण कुंद्रा तेजू से नाराज हो गए। यहाँ तक कि वो तेजू को पूरी तरीके से इग्नोर भी कर रहे हैं, उससे बात भी करने की कोशिश नहीं कर रहे। और इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में दोनों बैठकर यही बातें कर रहे हैं, जहां पर करण ने कहा कि अब मुझे पता चल गया कि प्रतीक सहजपाल इतना अच्छा क्यों बन रहा है। प्रतीक के अच्छा बनने का एक ही कारण है कि वो है ना वीआईपी की नजर में अच्छा बनना चाहता है और जनता की नजर में भी अच्छा बनना चाहता है, ताकि कल को अगर बिग बॉस के द्वारा वीआईपी को कुछ स्पेशल पावर मिले तो उसका सीधा सीधा फायदा वो प्रतीक सहजपाल को दे दे, या फिर जनता उसकी इस तरीके की अच्छाई देखते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे और उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। सेम यही टेक तुम अपना रही हो और तुम भी जनता के नजर में अच्छा बनने के लिए आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया। ये कहते हुए दोस्तों करण कुंद्रा काफी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों तेजस्वी करण की सारी बातों को समझ रही है, लेकिन इसके बावजूद न जाने तेजस्वी प्रकाश के मन में क्या चल रहा है जो कि वो इतना ज्यादा वीआईपी कंटेस्टेंट के लिए कर रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, करण बिल्कुल सही कह रहे हैं या गलत? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। यदि आप भी तेजू और करण के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।